व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन को हम समझें तो क्या कहना चाह रहे हैं कि किस चीज से ज्यादा जलेंगे, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से, मतलब उबलते हुए पानी से या पानी से बनी हुई भाप से। अगर हम देखें तो वाटर का जो टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब वो बॉयल करता है। तब वो यहाँ पे क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी होगा वो होगी स्टीम। क्या होगा? स्टीम, है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली कि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर है, 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्टीम के पास टेम्परेचर क्या है, हाइयर है। स्टीम के पास टेम्परेचर जो है वो हाई है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हो कि अगर स्टीम के पास टेम्परेचर, क्या चीज, टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, तो स्टीम से ही तो ज्यादा जलेंगे क्योंकि उसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही हमको फ्रेम करना है और यही हमें आंसर में लिखना है। देखो आंसर जो है स्क्रीन पे है, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। पर बॉइलिंग वाटर के पास जो है लेटेंट हीट नहीं है, हिडन हीट नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा बर्निंग होगी, बर्निंग जो ज्यादा होगी वो स्टीम से होगी। किस चीज से? स्टीम से, ठीक है।